पठान साहब एक चीज बताइए मुझे कि अगर अगर इनेलो की सरकार आती है तो क्या इन तमाम सारे आरोप जो आपने लगाए हैं इन सब की इंक्वायरी होगी? हंड्रेड परसेंट होगी। मैं तो सरकार की बात नहीं देख रहा, मैं तो मोदी जी को ही अपील करूंगा, उनको लिखित, ये जो मैं कुछ बोल रहा हूं लिखित, उनकी चिट्ठी पहले मैंने भारत सरकार को लिखी थी, उनकी कॉपी उसी डेट की मैं मोदी जी को भेजूंगा और मैं कहूंगा कि मैंने जो आरोप लगाए हैं उन्हें आईबी से रिपोर्ट मांग ले और सीबीआई इंक्वायरी करे, अपने आप लगा लीजिए। अवतार सिंह भड़ाना साहब, अब आप इनेलो के नेता हैं, अवतार सिंह भड़ाना साहब, अब आप इनेलो के नेता हैं, आपकी घर वापसी हुई है, आप चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हजारों उम्मीदें लगाए बैठे, खासतौर से जो अभी आपने जिक्र किया कि वो सीबीआई जांच कराए, आईबी की रिपोर्ट मंगाए वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाते हैं हरियाणा में, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में जाते हैं तो इनेलो को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो साफ साफ ये कहते हैं कि इनेलो गुंडों की पार्टी है, इनेलो जब सत्ता में आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। एक इनेलो के नेता होने के नाते अब आप क्या कहेंगे? वाकई इनेलो का चरित्र क्या ऐसा ही है जो अमित शाह जी बताने की कोशिश कर रहे हैं सार्वजनिक मंच से, एक बार नहीं दो बार? देखिए मुझे देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने एक ही बात कही है कि मैंने अपना राजनीति पूरा जीवन ईमानदारी से लोगों के लिए जिया है जी। मुझे चौधरी देवीलाल जी में मेरी आस्था है और चौधरी देवीलाल जी के बताए रास्ते पर चलकर लोगों का राज कायम करना है और निश्चित तौर पर आज क्योंकि ये इनेलो जो चौधरी देवीलाल का परिवार है वो इस बार जिस सूरत में है इस वक्त क्योंकि न्यायालय में है, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की भावनाओं की कदर होगी, न्यायालय न्याय करेगा इस परिवार के साथ और ये परिवार निर्दोष होकर बाहर आएगा और हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे और देवीलाल जी का और हरियाणा के किसान और मजदूरों का राज बनाएंगे। बड़ाना साहब, जनता की भावनाएं आपकी उम्मीदें अपनी जगह है, और बड़ाना साहब जनता की भावनाएं आपकी उम्मीदें अपनी जगह है, लेकिन क्या इनेलो गुंडों की पार्टी है? क्या वाकई इनेलो के सत्ता में आने से गुंडागर्दी इस प्रदेश में बढ़ती है? क्या कहेंगे आप? बड़ी गंभीर टिप्पणी अमित शाह साहब ने की, इस पर आपको जवाब देना होगा। देखिए मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, कौन किसके लिए क्या बोलता है, मैं हमेशा तथ्यों पर राजनीति की है, सत्य की राजनीति की है, सिद्धांतों की राजनीति की है। मैंने कभी भी किसी के बारे में, किसी नेता पार्टी और दल के बारे में बेबुनियाद बयान किसी के बारे में कुछ कहना। लेकिन भड़ाना साहब, अगर आप अमित शाह के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, 20 वर्ष से भड़ाना साहब, अगर आप अमित शाह के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर जो आरोप आप लगा रहे हैं उन्हें कैसे गंभीर माना जाए? अवतार सिंह भड़ाना साहब, फिर आपके आरोपों को गंभीर कैसे माना जाए? मुझे नहीं पता कि अमित शाह का सोच क्या है और किसी की क्या सोच है, मेरी सोच और हरियाणा के लोगों की जो सोच है मैं उसके मुताबिक आगे बढ़ूंगा। शक्ति जी, बटाना साहब, आप हरियाणा के लोग फैसला करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हवा चली है प्रदेश के अंदर, हर दूसरा आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वीरेंद्र सिंह से लेके इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आपने भी क्या ये विकल्प सोचा था इनेलो की अपेक्षा कि बीजेपी में जाया जाए? जी नहीं, मेरे को तो बरसों काफी दिन पहले जी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से लोकसभा के चुनाव से पहले काफी बड़ी ऑफरें आई थी, लेकिन मैं क्योंकि पार्टी ने मैं चार बार चुनकर भेजा हूं, मैं नहीं चाहता था उस पार्टी, आप इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी में सत्ता की तरफ चला जाऊं, प्रदेश में भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, आपका इतना बड़ा कद है तो इंडियन नेशनल लोकदल में आपका क्या कद रहेगा, इंडियन नेशनल लोकदल में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मुझे सुन लीजिए, मुझे मेरी भूमिका को लेकर क्या है कि मैंने देश में निश्चित तौर पर पूरे देश में 10 5
स्टेटों में 10 प्रदेश से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता हूं, मुझे लोग मेरे चाहने वाले हैं। ये तो मोदी जी का एक जादू चला। इनेलो में क्या भूमिका तय हुई है सर, आपकी मैं यही जानना चाहता हूं, इनेलो में आपकी क्या भूमिका तय हुई? फिर फरीदाबाद में चुनाव कराकर देख लीजिए और फिर बीजेपी के उम्मीदवार को उतार दीजिए मेरे खिलाफ। तो बड़ाना साहब, ये मोदी का जादू आपको कैसा लगा? देश में कहीं भी बड़ाना साहब, ये मोदी का जादू लगा कैसा, जिसने एक झटके में 4.5 लाख वोट का फर्क डाल दिया? मुझे हाँ, वो एक जादू नहीं था, वो ऐसा जादू हुआ कि वो एक तूफान का रूप ले गया। जिस तरीके से संघ ने जी हिंदुत्व को, संघ ने हिंदुत्व को जो बदला, वो एक कारण बना और सारा देश का हिंदुत्व बह गया भावनाओं में और मोदी जी के नाम पर एक तरफा चला गया। ठीक है, ठीक है। क्या प्रदेश के चुनाव में भी, हरियाणा में बड़ाना साहब, आप भी हमारे प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थक रहे हैं कि मोदी का जादू हरियाणा में भी चलेगा? वो जादू जो तूफान बन गया, वो जादू जिसमें हिंदुत्व भावनाओं में बह गया, क्या वही जादू हरियाणा में भी चलेगा, या फिर हरियाणा में लोग इनेलो के चश्मे से देखना ही पसंद करेंगे? इनेलो का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, अब तो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए। नहीं नहीं, देखो चिंता हमने कभी की नहीं है राजनीति में, क्यों कि हमने लोगों के लिए राजनीति की है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। पूरे जीवन 30 वर्ष में ईमानदारी से जो सेवा की है, इसके लिए हम ये समझते हैं इस वक्त हमारी कांग्रेस को हुड्डा ने समाप्त कर दिया है, सिर्फ हुड्डा के 4-6 दलाल बचेंगे, बाकी कांग्रेस निमट चुकी है। ये ठीक है कि आज हरियाणा में बीजेपी के साथ हमारी फाइट होगी, कांग्रेस तो कहीं हमारे सामने फाइट में है ही नहीं।